नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी संस्कृत कक्षा सातवीं का त्रयोदश पाठ विद्या महिमा पढ़ने जा रहे हैं। विद्या हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस पाठ के माध्यम से हम उसे समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं। हमारा पहला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मे तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए इसका संस्कृत भावार्थ है, दुर्जनस्य विद्या विवादाय भवति। देखिए दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, क्यों होती है, विवाद के लिए होती है। धनम अहंकाराय भवति, धन मद के लिए अर्थात अहंकार के लिए होता है। शक्ति परेशान पीड़नाय, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। किंतु सज्जनस्य विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति परेशान रक्षणाय च भवति। अर्थात लेकिन किंतु सज्जनों की जो विद्या होती है ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दूसरा श्लोक है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भात्रभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। देखिए इसका संस्कृत भावार्थ क्या है, चोर विद्याधनस्य हरणम कर्तुम न शक्नोति। अर्थात विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसको चोर नहीं चुरा सकता है। कितना भी सोना चांदी हो उसे चुरा लेगा, लेकिन विद्या के रूप में अर्थात हमारे पास जो ज्ञान है उसे चोर नहीं चुरा सकता है। राजा अधिग्रहणम कर्तुम न शक्नोति, अर्थात और राजा इसको छीन नहीं सकता है। हमारा ज्ञान हमारी विद्या ऐसी है जिसको न चोर चुरा सकता है न राजा छीन सकता है। भ्राता विभाज्यम न कर्तुम शक्नोति एतस्य भारमपि नास्ति। देखिए न तो इसको भाई भाई हिस्सा करके बांट सकते हैं, अर्थात कोई भी भाई इसमें हिस्सा नहीं बंटवा सकता है, और न ही इसका कोई भार है। इसको संभालने में कोई वजन लगता है या भार लगता है, वेट लगता है क्या, नहीं लगता है। व्यय कृते सर्वदा एतस्य वर्धमेव भवति। देखिए क्या होता है कि खर्च करने पर यह धन ऐसा है जो हमेशा बढ़ता ही जाता है। मान लीजिए आपने मैथ्स में किसी को समझाया, ठीक है, तो जब आप वो सम समझा रहे हैं किसी को या अपने फ्रेंड को ही समझा रहे हैं, तो आपका जो सम है वो और अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, न कि ऐसा नहीं है कि वो कम हो रहा है। एतादृशम विद्याधनम सर्व प्रधानम धनमस्ति। अर्थात देखिए ये जो धन है विद्या रूपी धन है, ज्ञान रूपी धन जो है वो सभी धनों में क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़कर है। हमारा तीसरा श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात ददाति पात्रता पात्रत्वाप धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। देखिए क्या कहा गया है कि जना विद्याभ्यास विनयम प्राप्नुवन्ति विनयात योग्यतां प्राप्नुवन्ति योग्यात धनम प्राप्नुवन्ति धनात् धर्माचरण सामर्थ्य प्राप्नुवन्ति ततः सुखम प्राप्नुवन्ति। अर्थात लोग विद्याभ्यास से विनम्रता प्राप्त करते हैं, विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता प्राप्त होती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्माचरण में सामर्थ्य प्राप्त होता है, अर्थात धन से धर्म के मार्ग पर हम प्रस्थान करते हैं, इसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, विद्या ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा अगला श्लोक है, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। देखिए संस्कृत भाव देखिए उसका क्या कहा गया है, विदुषः नृपस्य च कदापि तुलना न भवति। देखिए विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं की जाती है, कारणम नृपः तु केवलम स्वदेशे एव पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते सम्मानम प्राप्नोति। अर्थात क्योंकि राजा तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, जबकि विद्वान जो होता है विद्वान की पूजा सभी जगह होती है, सारे जगत में विद्वान पूजा जाता है। हमारा अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम धीकम प्रछन्नम गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। देखिए इसका संस्कृत भावार्थे, विद्या एव मनुष्यस्य श्रेष्ठम रूपम गुप्तम धनम चास्ति। अर्थात विद्या वो वस्तु है जो मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ रूप और गुप्त धन है। विद्या एव भोग साधनानि यशम च ददाति
देखिए विद्या ही भोग सुख एवं यश की दात्री है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधु जना नामीव भवति, देखिए परदेश में विद्या ही बंधु स्वरूप है। विद्या श्रेष्ठ देव अस्ति, विद्या ही परम देवता है। राजानः अपि विद्याम् एव पूज्यन्ते, विद्या ही राजा द्वारा पूजित है या धन नहीं है, अतः विद्याविहीन व्यक्ति पशुवत होता है। इसलिए कहा जाता है कि विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा अपना ध्येय होना चाहिए।